प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिससे हमारी जो लाइफ लाइन है वो भी बढ़ सके, हमारी वाइटालिटी अच्छी रह सके, लॉन्गेविटी हमारी लाइफ की अच्छी रह सके। सो डेफिनेटली मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन भी शेयर करना चाहती हूँ, एंड डू सपोर्ट मी ऑल्सो वाइल शेयरिंग द स्क्रीन। इफ माई स्क्रीन इज विजिबल, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स दैट माई स्क्रीन इज विजिबल और नॉट, एंड इफ माई स्क्रीन इज नॉट विजिबल देन ऑल्सो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। सो दिस इज माई स्क्रीन जिसके बारे में आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, एंड आई बिलीव कि मेरा स्क्रीन विजिबल है, एंड आई डोंट नो वाई आज काफी ज्यादा कम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन है। आई डोंट नो वॉट्स द रीजन बिहाइंड इट। सो डेफिनेटली यू शुड इनवाइट अदर्स, योर टीम मेंबर्स ऑल्सो टू ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल, जैसे हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए कि मेरा स्क्रीन यहाँ पे विजिबल है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड इन बिटवीन आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि इन बिटवीन अगर मेरा स्क्रीन लाइक स्क्रॉल डाउन नहीं होता है तो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। सो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसके वजह से हमारी लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पे काफी ज्यादा, हम बोलते हैं ना कि हमारा जो लाइफ रहता है, हम इवन जो गेम्स भी खेलते हैं राइट, तो हमारे लिए बहुत एक लेवल्स होते हैं। एक होता है नॉर्मल लेवल, एक होता है प्रो लेवल, और एक होता है प्रो मैक्स लेवल। सो डेफिनेटली हमारी जो लाइफ है वो प्रो मैक्स तक पहुंचने के लिए, उसको और ज्यादा इनहांस बनाए रखने के लिए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारा गैनोडर्मा प्लस टैबलेट राइट। सबसे पहला चीज यहाँ पे हमारे पास है जो हमारे पास एडवांटेज ये प्ले करती है, दैट इज दिस प्रोडक्ट हैज अ ग्रीन डॉट। इसमें ग्रीन डॉट है जो कि हमें सिग्निफाई करती है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है 100% नेचुरल है, 100% प्योर है, एंड दिस हैज अ 60 टैबलेट। एंड इन्हीं के साथ साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि गैनोडर्मा होता क्या है, एंड गैनोडर्मा, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि हाँ ठीक है हमें ये प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहिए, बहुत अच्छा है, बट ये अच्छा कैसे है, ये कैसे वर्क करता है, ये होता क्या है, एंड इनके हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम डेफिनेटली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि गैनोडर्मा जो है ये बेसिकली एक मशरूम है जो कि पाए जाते हैं वेरियस हॉट और ह्यूमिड रीजन में, लोकेशन जैसे कि एशिया हो गए, ये सारी चीजों में पाए जाते हैं, एंड डेफिनेटली ये हॉट ह्यूमिड रीजन में ही ग्रो होते हैं, ये पाए जाते हैं। एंड इन्हीं के साथ साथ इसको बहुत अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इसको लिंजी मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चाइना में काफी ज्यादा, चाइना में इसको लिंजी के नाम से जाना जाता है। एंड इन्हीं के साथ साथ लाइक हम बोलते हैं ना, इसको जापान में बेसिकली रीशी नाम के नाम से जाना जाता है। एंड इन्हीं के साथ साथ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, इसको इंडोनेशिया में जामुर के भी नाम से जाना जाता है। एंड ग्लोबली लाइक जो हमारा कंट्री है इंडिया है, एंड बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे इनको गैनोडर्मा के नाम से ही ग्लोबली जाना जाता है राइट। तो हम गैनोडर्मा को किंग ऑफ हर्ब के नाम से भी जाने जाते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे मिरेकुलस हर्ब्स है जो कि हमारी बॉडी में हर एक चीजों की जरूरतें हैं, एंड इन्हीं के साथ साथ सारे लाइक जरूरतों को ये पूरा करती हैं, डेफिशिएंसी को फुलफिल करती हैं, इसीलिए इसको किंग ऑफ हर्ब के नाम से भी जाना जाता है। एज वेल एज ये जो एक बोलते हैं ना कि डिवाइन है, तो डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही ज्यादा हेल्दी बनाए रखने का काम करती है, मेटाबॉलिज्म को ये इंक्रीज करती है। एंड इन्हीं के साथ साथ गैनोडर्मा जो है इसमें मोर देन 200 एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गैनोडर्मा इसमें 5 मेन एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लाइक हाईली थेरेपेटिक होते हैं, पॉलीसेचुराइट रहते हैं, ऑर्गेनिक रहते हैं, एडिनोसिन रहते हैं, एंड ये जितनी भी चीजें हैं एक साथ एग्जिस्ट करती हैं कम्बा एंड ये एक साथ मिल के नेचुरल बेसिकली जो पाए जाते हैं रेड मशरूम में पाए जाते हैं। गैनोडर्मा एक
एडाप्टोजन है जो कि वर्क करता है हमारे सेल के ऊपर, और जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो डेफिनेटली प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। सो हम बोलते हैं ना कि हमारा बॉडी ये सेल के ऊपर, क्योंकि ये हमें यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया गया है कि हमारे सेल के ऊपर असर करेगा। अब हमें हर किसी को पता है कि हमारी पूरी बॉडी में अप्रोक्स 35 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, नॉट मिलियन, नॉट बिलियन, इट्स ट्रिलियन सेल्स होते हैं, 35, मोर देन 35 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। अब हमारा बॉडी जो है सेल से बना है, एक हेयर से लेके एक नेल तक सेल से बना है, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, तो डेफिनेटली हम बोलते हैं ना, एंड ऑर्गन से धीरे धीरे करके हमारे सिस्टम बनते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसी के साथ साथ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो डेफिनेटली ये हमारे इनडायरेक्टली हमारे ओवरऑल बॉडी को बहुत ही हाईली अच्छे से मेंटेन करती है। अगर हमारे सेल हेल्दी रहेंगे तो हमारे टिश्यूज हेल्दी रहेंगे, हमारे ऑर्गन हेल्दी रहेंगे, इनफैक्ट हम हेल्दी रहेंगे, राइट? सो ये हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है, डिटॉक्सिफायर का काम करती है, करेक्ट करती है सेल जो इम्बैलेंस होने लग जाते हैं, एंड स्ट्रेंथन करती है सेल के मेम्ब्रेन को। एंड इन्हीं के साथ साथ ये जो सेल्स है विल टेक अ न्यू टॉक्सिन्स, ताकि हमारा बॉडी में जो सेल्स है नया टॉक्सिन्स ना ले। हम जैसे बोलते हैं ना, टॉक्सिक पीपल से हमें दूर रहना चाहिए, स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। सो दैट इज वाई स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिन्स ऑल्सो, वी हैव टू स्टे अवे। सो हमारी बॉडी को टॉक्सिन से दूर रखने के लिए ये सारी चीजें जो ज्ञानोडर्मा है बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्क करती हैं। वन मोर थिंग कि जो प्रोस्टेट कैंसर है ये बेसिकली एक बहुत ही कॉमन टाइप है, एंड ये काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। सो ये हमें स्टार्टिंग स्टेज ऑफ कैंसर से भी, इसमें एंटी कैंसरस इफेक्ट होने की वजह से ये हमें स्टार्टिंग स्टेज ऑफ कैंसर से भी प्रोटेक्ट करती है। सो आई यहाँ पे मैं जरूर एक चीज बोलना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि एवरी वन नोज एवरीथिंग, राइट? सो दैट इज वाई प्रोस्टेट कैंसर जो है ये सिर्फ और सिर्फ मेल को होते हैं, नॉट इन फीमेल। सो इफ एनीवन इज हैविंग कंफ्यूजन विद दीज थिंग्स, तो डेफिनेटली आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। सो ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स को होते हैं, एंड बेसिकली प्रोस्टेट जो है एक वॉलनट साइज का ग्लैंड होने लग जाते हैं वहां पे, एंड ये काफी ज्यादा पेनफुल भी होते हैं। तो अब हम किसी से भी काउंसलिंग करते हैं, अब हम किसी से भी लाइक प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो हाउ डू यू नो कि उस पर्सन को कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? बिकॉज वी आर द हेल्थ प्रोवाइडर। सो हम लोग अगर किसी का ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसका सोल्यूशन जानने के लिए उसका सिम्टम भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड द बेसिक सिम्टम जो प्रोस्टेट कैंसर को हम मेजर कर सकते हैं, हम जान सकते हैं कि हाँ इन प्रॉब्लम के से प्रोस्टेट कैंसर बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, तो सबसे पहला जो वार्निंग साइन है वो होता है अ पेनफुल और बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के टाइम काफी ज्यादा बर्निंग सेंसेशन, पेनफुल सेंसेशन होने लग जाती है। सेकंड, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पर्टिकुलरली एट नाइट। नाइट में काफी ज्यादा यूरिनेशन वाली फीलिंग आने लग जाती है, ऐसा लगता है बार बार यूरिनेट करने की जरूरत है। एंड द थर्ड रीजन इज बेसिकली डिफिकल्टी इन स्टॉपिंग और बेसिकली स्टार्टिंग द यूरिनेशन। ब्लड इन यूरिन एंड सीमेन में होने लग जाती है, एंड इन्हीं के साथ साथ जो लिबिडो है, एनर्जी लेवल है, वो काफी ज्यादा कम होने लग जाती है, वीकनेस काफी ज्यादा होने लग जाती है, एंड इन्हीं के साथ साथ स्ट्रेस काफी ज्यादा होने लग जाती है, एंड जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो होती है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होने लग जाती है। सो डेफिनेटली ये सारे सिम्टम्स है प्रोस्टेट कैंसर के, तो डेफिनेटली अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स किसी को भी है तो डेफिनेटली दे शुड गो एंड चेक देयर हेल्थ। वो अपनी हेल्थ को चेक करवा सकते हैं विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ओनली। सो डेफिनेटली ये हमें उनसे भी, प्रोस्टेट कैंसर से भी आपको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एंड वन मोर थिंग जिसके बारे में जरूर हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि अगर ये ज्ञानोडर्मा जो है, इस मशरूम को अगर हम देख भी रहे हैं तो इस
जिसमें शाइनी पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं, राइट? तो ये काफी ज्यादा शाइन भी कर रहा है. दैट इज वाई गैनोडर्मा जो नाम पड़ा है ना इसका, तो गैनो का मतलब होता है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है शाइनिंग, चमकदार होना. एंड डर्मा का जो डर्मा जो होता है बेसिकली स्किन होता है. हम लोकली बोलते हैं ना कि मेरे स्किन में सो एंड सो प्रॉब्लम हो गए हैं, पिंपल्स के प्रॉब्लम हो गए हैं, या फिर अगर मेरा स्किन में रैशेज होने लग गया है, मेरा स्किन बहुत अच्छा नहीं है, या फिर मेरा स्किन बहुत अच्छा है. हम बार बार डेली अपने डे टू डे लाइफ में स्किन वर्ड यूज करते हैं, लेकिन स्किन का साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है डर्मा. तो अब डर्मा का मतलब स्किन है, तो गैनोडर्मा विच मीन्स ये हमारे स्किन को शाइन प्रोवाइड करती है, हमारे स्किन को, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही अच्छे से ये हेल्दी रखने का काम करती है. एंड इन्हीं के साथ साथ अगर हमारा स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज आई बिलीव योर फेस, योर स्किन इज द मिरर ऑफ योर ओन हेल्थ. आपका फेस, आपका स्किन जो है आपके बॉडी का मिरर है. आपका स्किन जितना अच्छा रहेगा, बिना कुछ भी लगाए, बिना मतलब एक सिंपल स्किन केयर रेजीम करने से और अपना हेल्थ अच्छा रखने से, तो डेफिनेटली आपको अगर बहुत कुछ दाग धब्बों को ढकने के लिए अगर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, विच मीन्स आपका स्किन बहुत हेल्दी है, शाइनी है, तो उसको मेंटेन करे रखने के लिए गैनोडर्मा बहुत ही मार्वलस वे में असर करता है. एंड इन्हीं के साथ साथ इसमें बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा लाइक विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, सप्लीमेंट्स रहते हैं जो कि नरिश करते हैं, नर्चर करते हैं हमारी बॉडी को. एंड ये डिफेंस सिस्टम का भी काम करते हैं, हमारी बॉडी से प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने का काम करते हैं. दिस इज 100% नेचुरल, प्रोड्यूस अंडर GMP गाइडलाइंस, एंड इन्हीं के साथ साथ इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं. एंड व्हाट मेक्स केवा गैनोडर्मा प्लस सो यूनिक, इसको यूनिक बनाए रखने के लिए सबसे पहला यहाँ पे जो वर्ड है, इसमें जो गैनोडर्मा है कंप्राइज करता है, इसमें गैनोडर्मा लूसीडियम है, पॉलीसैचुराइड है, बहुत सारी चीजें हैं. तो डेफिनेटली हम कुछ इजी इजी वर्ड के ऊपर जाएंगे, जैसे कि पपाया फ्रूट है. आई बिलीव कि बहुत लोगों के घर में भी, जिनके फ्लैट्स नहीं है, जिनका अपना घर है, तो वो लोग, जिनको गार्डनिंग का शौक है, तो वो बहुत अपने घर में पपीते का पेड़ भी लगा के रखते हैं, पपाया फ्रूट रहते हैं. पपाया विटामिन के, पपाया में बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो वो ब्लड क्लॉट्स के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करती है, राइट? तो इसमें पपाया फ्रूट है. कीवी फ्रूट है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे घाव को भरने के लिए भी क्षमता बहुत अच्छी रहती है, हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छे से वर्क करता है. वाइल्ड ब्लूबेरी है. एंड इन्हीं के साथ साथ इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, एंड डेफिनेटली इसमें मोरिंडा सिट्रीफोलिया है. तो मोरिंडा सिट्रीफोलिया, जिसको हम लोग ड्रमस्टिक के नाम से जानते हैं, एंड हिंदी में शायद से उसको सहजन बोलते हैं, राइट? तो उसका लाइक बहुत लोग उसकी सब्जियां बना के खाते हैं, तो डेफिनेटली उसको खाने का एक जो हमारे पास बेनिफिट होता है वो ये होता है, उसके लीफ जो होते हैं, उसके जो सब्जियां जो होते हैं ड्रमस्टिक के, तो डेफिनेटली ये जिसको भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होने लग जाता है, BP हाई होने लग जाती है, फ्लक्चुएट होने लग जाता है, तो ये उसको मेंटेन करने का काम करते हैं. इसमें गूसबेरीज रहते हैं, तो आमला, ये सारी चीजें पाई जाती हैं. तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से मार्वलस वे में ये हमें इफेक्ट देता है. एंड इन्हीं के साथ साथ इसमें इतने सारे जो हर्बल आयुर्वेदा जो डाले गए हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में होने वाले जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलते हैं, ये उन सारी चीजों से भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं. सबसे हमारा जो पहला यहाँ पे बेनिफिट है, अगर हम यहाँ पे बेनिफिट की बात करें, हमारा जो गैनोडर्मा प्लस है ये 3 स्टेजों में काम करता है, राइट? 3 तरीके से, एक तरह से हम बोल सकते हैं, हमें बहुत ही ज्यादा लाइक कोई प्रॉब्लम ना हो रिमेम्बर करने के लिए, याद करने के लिए. तो ये 3 स्टेज में गैनोडर्मा आपके बॉडी पे काम करेगा. पहला जो स्टेज है वो है आपका स्कैनिंग द बॉडी, आपके बॉडी को स्कैन करेगा, विच मीन्स अगर आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, तो ये उससे आपको ठीक करने का काम करती है. एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं
कि अगर हमारे फोन में, अगर जो भी हम फोन चलाते हैं तो उसमें वायरस ना आए, तो डेफिनेटली हम लोग हर चीजों को डाउनलोड करने के लिए अच्छे से देखते हैं। एंड हमारे फोन तो अब इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी वाले हो गए हैं, तो वो डायरेक्टली हमें नोटिफिकेशन देते हैं कि इसमें काफी ज्यादा वायरस आने लग गए हैं, तो उससे हम बचने के लिए अच्छे से यूज कर सकते हैं। अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर को यूज करते हो तो उसमें हम एंटीवायरस डालते हैं ताकि जो वायरसेस जो है उसको निकल सके। वैसे ही ये जो कैनोडर्मा प्लस टैबलेट है हमारा केवा का, ये आपके बॉडी में जितने भी वायरसेस है, बैक्टीरिया है, ये जो भी जर्म्स है, ये उन सारी चीजों को क्लीन करने का काम करती है। सेकेंड जो स्टेज है वो आपका काम करती है डिटॉक्सिफिकेशन का। आपके बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स है तो ये टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करती है। बहुत सारे ऐसे खाने भी होते हैं जिसमें टॉक्सिन्स पाए जाते हैं जो हमें धीरे धीरे करके बीमार करने लग जाती है, ये हमें उनसे भी प्रिवेंट करती है। एंड थर्ड जो स्टेज है जो ये हमें प्रिवेंट करती है वो है इम्यूनिटी बूस्टर का। ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बहुत ही अच्छे से बढ़ाए रखने का काम करती है। इन तीनों स्टेज में काम करने के साथ साथ ये हमारी बॉडी में वाइटालिटी को इम्प्रूव करती है। किसी को भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं है सही से, तो डेफिनेटली ये उसके लिए हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्किन को हेल्दी रखते हैं एंड इन्हीं के साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। मतलब आपके बॉडी में जो हम बोलते हैं ना कि हॉर्मोन डिसबैलेंस होने लग गया है, किसी के फेस में बहुत पिंपल आने लग गया है, किसी फीमेल को पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम होने लग गया है, किसी को थायराइड के प्रॉब्लम होने लग गए हैं, क्योंकि आई बिलीव मेल के कंपैरेटिवली फीमेल को ज्यादा थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, हार्मोन डिसबैलेंस होने की वजह से होता है। एंड वन ऑफ द रीजन होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, क्योंकि ये जो है ये बेसिकली हमारे हार्मोन को बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड डेफिनेटली हमारे जो स्किन डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि सोराइसिस का प्रॉब्लम होना, छाइयों का प्रॉब्लम होना, पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम्स होना, पिंपल के प्रॉब्लम होना, उनके स्कार होना, दाग होने लग जाना, स्किन में डिहाइड्रेशन होना, अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लग जाते हैं, लाइम डिजीज जो होता है ना, जैसे स्किन में रैशेस होने लग जाते हैं, उन सारे प्रॉब्लम से भी हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जो घाव रहते हैं उसको, जख्म को भरने का ये काम करती है। सन बर्न हो गए, जो धूप में जाने से स्किन बहुत ज्यादा डार्क और डैमेज होने लग जाती है, उससे ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग कि अगर हम सांस अगर हमारी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं है, तो डेफिनेटली हमें पानी सही से अगर हम नहीं पीते हैं, तो बहुत लोगों के स्पेशली यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा होते हैं, राइट, मुंह में छाले होने लग जाते हैं, माउथ अल्सर होने लग जाता है, स्टमक अल्सर होने लग जाता है, तो ये हमें उनसे भी प्रोटेक्ट करता है। एक्सटर्नल ब्लीडिंग होने लग जाते हैं, उससे भी ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल से मेंटेन करते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है अगर वो ज्यादा होता है तो उनसे भी हमें प्रिवेंट करते हैं। ट्यूमर की प्रॉब्लम से हमें प्रिवेंट करते हैं। एंड जिनके भी कीमोथेरेपी, जो भी कैंसर पेशेंट रहते हैं, तो उनके कीमोथेरेपी होते हैं, रेडियोथेरेपी होते हैं, तो मेडिसिन के कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जिसके वजह से भूख कम लगती है, सही से भूख नहीं लगती है, बाल बहुत ज्यादा गिरने लग जाते हैं, इन्फेक्शंस काफी ज्यादा होने लग जाते हैं, तो डेफिनेटली हमें उनसे भी प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है, हमारा ब्लड सही से फ्लो हो सके। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में आपका ब्लड फ्लो होगा सही से, तो मतलब आपका बॉडी में ऑक्सीजन भी अच्छे से फ्लो हो रहा है, नहीं तो ब्लड अगर सही से फ्लो नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी आपकी बॉडी में सही से नहीं जाएगा, जिसका मतलब है अल्टीमेटली कि हमारी लाइफलाइन ज्यादा दिनों तक भी नहीं है। तो डेफिनेटली फ्री रेडिकल से भी फाइट करते हैं एंड कैंसर सेल्स को ये धीरे धीरे करके डैमेज करने का काम करते हैं, कैंसर से प्रिवेंट करते हैं। सो यू शुड कंज्यूम दिस प्रोडक्ट, वन टैबलेट ट्वाइस अ डे आप इसको कंज्यूम करेंगे, सुबह में शाम में, एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर मील आप इसको इनटेक करेंगे। एंड द सेकेंड प्रोडक्ट विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये डे टू डे लाइफ में आई बिलीव अगर आप कहीं शॉपकीपर के पास
पास जाते हैं, कहीं मॉल में जाते, कहीं भी घर से बाहर जाते, इवन अपने घर में भी हम देख सकते हैं कि अगर ऐसे किसी को भी प्रॉब्लम्स है तो उससे हम कैसे बचे, उन प्रोडक्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. द सेकेंड प्रोडक्ट इज न्यूरो हेल्थ प्रोडक्ट, न्यूरो हेल्थ ड्रॉप. एंड आपने सबसे ज्यादा देखा होगा कि लोगों को पार्किंसन डिजीज बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं. इवन स्पेशली सबसे ज्यादा जो रहता है वो होता है कि जो हैंड होते हैं ना वो एक जगह स्टेबल नहीं होता है, बहुत ज्यादा वो हिलने लग जाता है, श्रिंक होने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा लाइक फ्लक्चुएट होने लग जाते हैं, गले में काफी ज्यादा स्टिफनेस होने लग जाती है, पूरे बॉडी में स्टिफनेस होने लग जाती है. तो ये हमें उन सारे प्रॉब्लम से बचाए रखने का काम करती है, बिकॉज जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी बीमारियों से, एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करते हैं. यहाँ पे आप देख रहे होंगे पिंक कलर का एंड ब्लू कलर का, राइट, जिसको यहाँ पे जो पिंक कलर का है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS जिसको हम बोलते हैं. ये हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड को अटैच करती है, उसको हम लोग यहाँ पे CNS बोलते हैं, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को. एंड अदर जो होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं, हमारे मसल्स जो होते हैं ये बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, PNS नाम से जिसको हम यहाँ पे जानते हैं. तो डेफिनेटली हमारी जो प्रॉब्लम ना हो उसके लिए, हम सपोर्ट करने के लिए, उससे बचने के लिए हम इनको यूज करते हैं. प्रॉब्लम जैसे कि आप बोल सकते हैं एपिलिप्सी का प्रॉब्लम, मिर्गी का प्रॉब्लम काफी ज्यादा होने लग जाता है. एंड डेफिनेटली कुछ कुछ जो रीजन होते हैं ना, लोग अपना घरेलू का लाइक बोलते हैं ना रेमेडी यूज करने लग जाते हैं. तो ये शायद बहुत सारे ऐसे लाइक स्टेट में ऐसा होता है, ऐसे छत्तीसगढ़ में होता है एंड बहुत सारे ऐसे स्टेट होते होंगे जहाँ पे होता है, जब मिर्गी का किसी को प्रॉब्लम होता है, एपिलेप्सी का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे वो लोग कैरोसिन ऑयल का यूज करते हैं ताकि वो लाइक जल्दी से चले जाए. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये काफी ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है. तो डेफिनेटली वो सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है. मल्टीपल स्क्लेरोसिस के प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, अल्जाइमर प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, मेमोरी लूज होने लग जाती है, ब्रेन सेल डैमेज होने लग जाता है, ब्रेन हेमरेज के प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के प्रॉब्लम होने लग जाते हैं. मतलब ब्रेन में जो हमारा है ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो जम जाता है, वो एक जगह स्टक हो जाता है, तो उसके वजह से स्ट्रोक के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. एपिलेप्सी का कॉमन सिम्टम्स है, आप अनकॉन्शियस काफी ज्यादा होने लग जाएंगे, कॉन्शियस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होने लग जाएगी, काफी वीकनेस आएगी, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा फीलिंग आने लग जाएगा, एंजाइटी होगी, स्टेयरिंग, बहुत देर तक किसी को स्टेयर करते रहना, घूरते रहना जिसको हम बोलते हैं, एंड जर्किंग ऑफ मसल्स होने लग जाते हैं, बात करने में काफी ज्यादा कंफ्यूजन आने लग जाती है. एंड इन्हीं के साथ साथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ये बेसिकली हमारा इफेक्ट करता है ब्रेन में, आंखों के विजन में जो कम होने लग जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में, माउथ एंड टीथ में जिसमें बात करने में दिक्कतें आती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम में, मसल्स में, एंड हमारे जो सेंसरी नर्व होते हैं जिसको हम टच एंड फील करके कोई भी चीजों को हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, ये हमें उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाती है. एंड ये जो चीजें हैं ना ये सबसे ज्यादा जो होती है इसके कारण क्या क्या होते हैं, क्योंकि हर चीजें आपको PPT में देखने को नहीं मिलेगी, सो प्लीज बी लाइक बी कॉन्शियस. सो ये जो चीजें है ना, लोग बहुत ज्यादा थोड़ा सा आजकल लेजी होने लग जाते हैं. घर का खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. अगर हम कहीं आउटिंग पे चले गए या फिर अगर कभी कुछ हमें मन नहीं किया, अगर हमें कुछ अच्छा खाने का मन कर दिया, स्पेशली ये टीनेजर्स बच्चे जो होते हैं एंड जो अडल्ट होते हैं वो काफी ज्यादा ये सब करते हैं. जो लोग सूखे चीज बहुत ज्यादा खाते हैं जैसे कि चिप्स हो गया, कोई भी सूखे वेफर्स हो गए, कुरकुरे हो गया, या फिर सो एंड सो जो भी हो गए, अगर आप सूखे चीजें बहुत ज्यादा, बिस्किट हो गए, अगर आप सूखे चीजें बहुत ज्यादा खाने लग जाएंगे, उसके वजह से प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ने के, नर्वस सिस्टम थोड़ा वीक होने लग जाता है, प्रॉब्लम होने लग जाते हैं. ठंडी चीजें अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया आपका, आइसक्रीम हो गए, या फिर हम बोल सकते हैं ना अगर हम बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम खाने लग जाते हैं, फ्रिज में से कोई भी चीजें निकाल के बहुत ठंडी ठंडी चीजें खाने लग जाते हैं, उसके वजह
से प्रॉब्लम होने लग जाते हैं. एंड इन्हीं के साथ साथ अगर बासी चीजें भी खाते हैं, लाइक स्टेल चपाती हो गए, या फिर फ्रिज में अगर हमने कोई भी सब्जियां रख दी, फिर से उसको रीकुक कर लेते हैं, हीट कर लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद उसको कंज्यूम करते हैं, तो डेफिनेटली इन सारी चीजों के वजह से जो नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम है, नर्व के प्रॉब्लम लोगों को ज्यादा होने के चांसेस होते हैं. तो डेफिनेटली हमें इनसे प्रोटेक्ट होने की जरूरत है, इनसे क्लियर होने की जरूरत है. एंड ट्राई करना है कि बहुत ज्यादा ठंडी चीजें ना खाए, बासी चीजें ना खाए, एंड सूखी चीजें हम ना खाए. वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं होती हैं, खराब होती हैं. तो डेफिनेटली ये जो न्यूरो हेल्थ ड्रॉप है, जो बेसिकली नमनेस फीलिंग आने लग जाती है, कुछ भी सेंसेशन फील नहीं होता है, तो ये पेन काफी ज्यादा होने लग जाती है, तो डेफिनेटली उनको ये रिलीज प्रोवाइड करने का काम करती है, बिकॉज इसमें एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं. सो ये वर्क जो है कुछ इस तरह से करती हैं कि इसमें जो न्यूरॉन्स है, हमारा एक जो लाइक नर्व है, जो लाइक बोलते हैं ना, तो सिंपली वो एक तरह से रहता है कि एक मैसेज पहुंचा सके, एक दूसरे में मैसेज पहुंचा सके, ये उसके लिए बहुत अच्छे से प्रॉपरली वर्क करते हैं. एंड इन्हीं के साथ साथ हम बोल सकते हैं न्यूरोलॉजिकल जो पेशेंट होते हैं ना, वो 20 करोड़ पेशेंट होते हैं इंडिया में पाए जाने वाले, ऐसे 20 करोड़ पेशेंट पाए जाते हैं. तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं बहुत सारे लोगों को ऐसे नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं. इंडिया हैज लाइक बोल सकते हैं 1.25 जो पेशेंट जो है एपिलेप्सी के शिकार हैं. तो हर साल इतने काफी ज्यादा और भी बहुत न्यू पेशेंट्स आने लग जाते हैं. तो डेफिनेटली हमें इन सारी चीजों से ट्रीट होने की जरूरत है, केयर करने की अपनी बॉडी को जरूरत है, ताकि ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए. एंड 12 लाख ऐसे पेशेंट होते हैं जो एवरी ईयर ब्रेन स्ट्रोक के प्रॉब्लम से डाई हो जाते हैं, मतलब उनकी लाइफ नहीं रहती है. तो डेफिनेटली ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, ये जो हमारा न्यूरो हेल्थ ड्रॉप है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच विल एवर, ये आपको बहुत ही अच्छे से ये मेंटेन करने का काम करती है. एंड इन्हीं के साथ साथ ये हमारे लाइक न्यूरॉन्स जो है, हमारे ब्रेन जो है, उसको हेल्प करती है, स्ट्रॉन्ग बनाए रखने का काम करती है, ब्लड का फ्लो सही से हो सके ये उसके लिए भी मेंटेन करती है. हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में ब्लड अगर ज्यादा हो जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, नहीं तो स्ट्रोक होने लग जाएगा. ब्लड हमारे माइंड में जो ब्लड, हमारे ब्रेन में जो ब्लड पाए जाते हैं, बहुत थोड़े से ब्लड पाए जाते हैं, ज्यादा नहीं होता है, राइट. तो अगर ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे. सो अल्टीमेटली इनके जो बेनिफिट्स होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, न्यूरो प्रोटेक्टिव है, हमारे नर्वस सिस्टम को ये हेल्दी रखने का काम करते हैं. एंड इन्हीं के साथ साथ एंटी एंजाइटी है, तो चिड़चिड़ापन से ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं. एंटी इंफ्लेमेटरी है, ब्लड के फ्लो को इनहेंस करते हैं. इम्यूनिटी सिस्टम को, एनर्जी लेवल को बढ़ाए रखने का काम करते हैं. मेमोरी एनहेंसर का काम करते हैं. अल्जाइमर डिजीज होंगे तो डेफिनेटली मेमोरी लूज होने लग जाएगी, तो ये मेमोरी को शार्प बनाए रखने का काम करती है. पार्किंसन डिजीज से भी ये प्रोटेक्ट करती है, इवन इम्प्रूव करती है फोकस ऑन और कॉन्सेंट्रेशन लेवल को. एंड इन्हीं के साथ साथ एंटी डिप्रेसेंट है. वन मोर थिंग कि आपने जिस चीजों को अवॉइड करना है वो है सार थिंग्स, जो खट्टी चीजें होती हैं ना, जिसमें बहुत ज्यादा लाइक सिट्रस चीजें जिसमें बहुत ज्यादा होती हैं, उसको भी अगर किन्हीं को भी नर्व की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है. सो इनके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है. एंड कुछ कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना कि इनके इंग्रेडिएंट्स के जो नाम होते हैं इतने ज्यादा हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, इतना मतलब लार्ज इनका वर्ड रहता है कि हमें हम सोचते भी नहीं है कि पता नहीं वो क्या है. लेकिन जब हमें पता चलता है कि इसका इंग्रेडिएंट, इसको हिंदी में तो ये बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि तो खैर हमें पता था. तो जैसे कि इसमें बकोपो है, तो डेफिनेटली मोनेरी है इसमें, जिसको हम ब्राह्मी के नाम से जानते हैं. एंड ब्राह्मी हमारे हेल्थ के लिए कितने अच्छे से वर्क करता है हमें हर किसी को पता है. इन्फ्लेमेशंस को दूर रखता है ब्राह्मी. अगर सर दर्द होता है उसके लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है. डिप्रेशन को दूर रखता है. ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम को ये कंट्रोल करने का काम करती है. एंड इन्हीं के साथ साथ एक तरह से हम यहाँ पे बोलते हैं ना, इसमें सेंचला है,
इन्हीं के साथ इसमें कैसेक का है इसमें, तो बेसिकली इसको हम लोग लाइक एक ओडिशा में बेसिकली इसको बना के नाम से भी जानते हैं। एंड इन्हीं के साथ साथ इसमें प्लूरिकालिस है इसमें, जिसको हम लोग शंख पुष्पी के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये जो इतने ज्यादा अमेजिंग इसमें जो इंग्रेडिएंट है, ये हमारे ईच एंड ऑल ओवरऑल हेल्थ को ये मेंटेन करने का काम करती है। बस आपने क्या करना है, 10-10 ड्रॉप करके सुबह शाम में इंटेक करने की जरूरत है, खाली पेट एटलीस्ट खाना खाने से आधे घंटे पहले। अब इसमें क्या है कि कुछ कुछ लोगों के जो लाइक सिम्टम्स होते हैं ना, समझ में आते हैं, कुछ कुछ लोगों के नहीं भी होते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, नर्वस प्रॉब्लम जो है, दो तरीके के भी होते हैं। एक में होता है कि पेन बहुत ज्यादा होता है, एक होता है पेन नहीं होते, जो नसें होते हैं ना गले के पास, यहाँ पे बेसिकली जो नस रहता है वो दबने लग जाता है। तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, ये हमें उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे जो मार्वलस प्रोडक्ट है, दैट इज बेसिकली केवा, एंशियंट मिनरल ड्रॉप, दैट इज KAMD। एंड जो मिनरल्स की हमारे में डेफिशिएंसी होती है ना, वो एक दिन में नहीं होती है। हमारा लॉन्ग टाइम से जो भी हमारी जो बिजी स्केड्यूल होता है, खान पान सही नहीं होने के वजह से, हेल्दी हैबिट नहीं होने के वजह से प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। जैसे कि अगर मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है तो इनसोम्निया के प्रॉब्लम, नींद नहीं आने की बीमारी, किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, माइग्रेन, एंड सो बहुत सारे यहाँ पे जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कंडीशंस होने लग जाते हैं, डायबिटीज के प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होने लग जाता है। इन सारे प्रॉब्लम्स की जो जड़ें हैं वो है आपकी बॉडी में मिनरल्स सही से नहीं है उसके वजह से। तो मिनरल्स होता क्या है, मिनरल्स एक सेकेंड टाइप का माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो कि आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली योर बॉडी यूजेस मिनरल फॉर डिफरेंट जॉब्स, हर एक एक अलग अलग काम के लिए आपका बॉडी मिनरल्स को कंज्यूम करता है, एब्जॉर्ब करता है, इंक्लूडिंग आपका बोन्स, आपका मसल, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, ताकि वो अच्छे से आपका काम कर सके। ऑर्गन्स आपका बॉडी जो है अच्छे से वर्क कर सके उसके लिए हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हॉर्मोन सही से जो है वर्क कर सके उनके लिए एंजाइम्स है, हॉर्मोन्स है, उनको उनके मेकिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक विटामिन, मिनरल जो है हेल्प करता है आपके बॉडी को ग्रो होने के लिए, डेवलप होने के लिए एंड हेल्दी होने के लिए। हमारा बॉडी ग्रो होता है, डेवलप होता है एंड हेल्दी रखने का भी ये काम करते हैं। मिनरल दो तरीकों में, दो चीजों में डिवाइड किए हुए होते हैं। जैसे कि एक होता है मेजर मिनरल, एक होता है ट्रेस मिनरल। बिकॉज हम यहाँ पे मेजर मिनरल्स जो है एक तरह से बोल सकते हैं, जिसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, ये सारी चीजें, कैल्शियम, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। एंड जो ट्रेस मिनरल्स जो होते हैं, जो माइक्रो मिनरल्स जो है, ये बेसिकली आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन, ये सारी चीजें रहते हैं, जिंक रहता है, सिलेनियम होता है, जिसके वजह से थायराइड के प्रॉब्लम्स ना हो, सिलेनियम उसके लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, कॉपर होता है। सो डेफिनेटली जो हमारा केवा एंशियंट मिनरल ड्रॉप है, ये 250 मिलियन ओल्ड वर्जन सीबेट से पाए गए हैं, डाउन अर्थ क्रस्ट इन यूरोप से ये पाया गया है, 100% नेचुरल है, क्योंकि इसमें 84 ट्रेस आयनिक मिनरल्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे यहाँ पे मिनरल्स है, जो कि हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। सो इनके बेनिफिट्स आपके यहाँ पे कुछ इस तरह से है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू फ्लश आउट करके, बॉडी में अगर पेन है तो उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है, स्ट्रेस लेवल को दूर करता है, हेल्दी स्किन बनाए रखने का काम करता है, डिप्रेशन से दूर रखता है, मसल्स को हेल्दी रखता है, सपोर्ट करता है इम्यूनिटी सिस्टम को, हार्मोन को बैलेंस करे रखने का काम करता है। माइग्रेन का प्रॉब्लम, बेसिकली लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं हेडेक और माइग्रेन में। हेडेक 150 तरीके का हेडेक होता है, टाइप का हेडेक होता है, देर आर 150 टाइप्स ऑफ हेडेक। सो डेफिनेटली हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, माइग्रेन इज लिटिल मोर डेंजरस देन
सडन हेडेक, तो डेफिनेटली ये माइग्रेन के प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें ना हो उससे भी हमें प्रिवेंट करते हैं, एंड इन्हीं के साथ साथ ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव करते हैं, अर्थराइटिस के प्रॉब्लम को दूर रखते हैं, एंड बोन्स, टीथ को, जॉइंट को हेल्दी बनाए रखने का काम करते हैं. सो द रेकमेंड डोसेज इज, एंड मैं यहाँ पे जरूर यहाँ पे एक चीज डिस्क्लोज करना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ पे जो डोसेज है उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज आई बिलीव कि जो हमारा जो KMT है, इनके सेशंस भी आपने बहुत बार अटेंड किए होंगे, इसके डोसेज भी आपको बहुत ज्यादा पता होंगे कि किसको कैसे यूज करना है. सो आई एम लिटिल श्योर अबाउट दैट. सो डेफिनेटली बस हमें एक चीज ध्यान देना है, अब हम बार बार PPT तो नहीं देखते रहेंगे ना कि हमें कौन से दिन में कितना डोज लेने की जरूरत है, इतना टाइम किसी के पास नहीं है, एवरीवन इज बिजी राइट नाउ. सो डेफिनेटली आपका जो भी एज है, एक बार आप इस PPT को देख लीजिए, इस स्लाइड को देख लीजिए, उसके बाद से फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक, मतलब महीने में 4 वीक होते हैं तो 4 वीक में इसको डिवाइड कर सकते हैं. जो भी आपका एज है, जैसे आप स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो भी लोग 21 एबव है राइट, तो दिन में 2 बार यूज करेंगे, सुबह में और शाम में. अगर पहले हफ्ते में 4-4 ड्रॉप करके यूज कर रहे हैं, मतलब दूसरे हफ्ते में और 2 ड्रॉप बढ़ा देना है, थर्ड वीक में और 2 ड्रॉप बढ़ा देना है, फोर्थ वीक में और 2 ड्रॉप बढ़ा देना है, एंड इससे इनकी कंटिन्यूटी हमेशा बनाए रखनी है. इन्हीं के साथ साथ इसको एक्सटर्नल यूज भी कर सकते हैं, अपने बॉडी में मसाज करेंगे. वन मोर थिंग, अगर किसी का बॉडी में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम है, अगर हाथ काफी ज्यादा, जो आर्म्स है वो काफी ज्यादा स्टिफ हो जाता है, मसल्स प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, तो ये हमें बोला जाता है कि ऑयल से मसाज करने के लिए, लेकिन वो इफेक्टिव भी तो होना चाहिए ना. तो आपका जो KMD जो है हमारे पास यहाँ पे, आप अपने पूरे बॉडी में अच्छे से मसाज करते हैं, तो आपके ये मसल्स को, आपके नर्वस सिस्टम को भी ये हेल्दी रखने का, न्यूरॉन्स को भी ये हेल्दी रखने का काम करती हैं. एंड ये जो सारी चीजें हैं, ये हर एक एज ग्रुप के लिए है, हर कोई इसको यूज कर सकता है, सो दैट दे कैन हैव अ हेल्दी लाइफ. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. अगर आपने इन प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर फीडबैक है, डेफिनेटली यू कैन राइट इट इन अ चैट बॉक्स, सो दैट आई कैन नो द फीडबैक कि आज का आपको सेशन कैसा लगा, एंड इफ समवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम विद दीज प्रोडक्ट, दे कैन आस्क. थैंक यू सो मच. ओके, सो एक बहुत छोटा सा बच्चा है जिसको मिर्गी के प्रॉब्लम्स होते हैं, आई थिंक शी इज वांट टू से कि उनको अगर मिर्गी के प्रॉब्लम्स होते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए क्या करना है. सबसे पहला तो है कि वो बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है, जितना आपने एज बताया है बहुत छोटा है. सो डू लेट मी नो, आई थिंक कि एक बार इसका सही से काउंसलिंग किया जाए तो उसके लिए बेटर रहेगा बिफोर गिविंग एनीथिंग, बिकॉज ही इज टू स्मॉल और शी इज टू स्मॉल टू कंज्यूम दीज प्रोडक्ट. तो डेफिनेटली एक बार इसका काउंसिलिंग हो तो बेटर रहेगा. थैंक यू सो मच. यस, यू कैन गिव दीज प्रोडक्ट, ये आप इनके कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट जो है, बिकॉज हमारे हर एक सेल, हमारा ब्रेन, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, हर चीजों में नर्व्स हमारा बहुत ही ज्यादा एक्टिव रखने का काम करती हैं. तो हमारी नर्व जो है, नसें जो हैं, वो अंदर मतलब दब ना जाए किसी भी वजह से, हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड कंटिन्यू जिनको पाकिस्तान के प्रॉब्लम होते हैं उनके जो हैंड होते हैं ना, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, बहुत ज्यादा हिलने लग जाते हैं हैंड, तो डेफिनेटली वाइब्रेट होने लग जाते हैं, तो ये उसके लिए भी बहुत ही अच्छे से वर्क करता है. अगर सर भारी भारी रहता है तो डेफिनेटली देयर इज वन क्वेश्चन कि सर बहुत ज्यादा भारी भारी होता है, तो
ऐसा हो सकता है कि आप ऑयलिंग सही से नहीं करते होंगे उसके वजह से, क्योंकि बहुत सारे रीजन होता है। जैसे कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि हेडेक जो होता है 150 टाइप का होता है, 150 तरीके का होता है। अब किस रीजन से है, लाइक अगर स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम होता है, हम सही से नहीं सोते हैं, बहुत ज्यादा जो पिलो है, तकिया जो है वो बहुत ऊपर करके हम सोते हैं, जिसके वजह से हमारी गर्दन की जो हड्डियां हैं, लाइक 7 हड्डियां हैं, तो उसमें से वो स्लिप होने लग जाती हैं, जिसके वजह से हम उठते बैठ ते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन आंखों के सामने बहुत ज्यादा अंधेरा छाने लग जाता है, सर बहुत जोर से दर्द होता है, स्ट्राइक होता है, राइट। तो वो बेसिकली लाइक मिर्गी के प्रॉब्लम में ऐसा हो सकता है, स्ट्रोक प्रॉब्लम में ऐसा हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस के प्रॉब्लम में ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर माइग्रेन के प्रॉब्लम में हो सकता है। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, अगर बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऑयलिंग करिए हर दिन, आप अपने सर में तेल लगाइए, जो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे लाइक ऑयल भी है जो बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं, ताकि आपका जो ब्रेन, आपके जो बाल बहुत खिंचे खिंचे लग है ना, तो वो उसके वजह से सर बहुत ज्यादा दर्द होता है, ऐसा लगता है कि एक एक स्ट्रैंड बहुत ज्यादा पेन होता है। ऑयलिंग कीजिए, अच्छे से आप फूड इंटेक करिए, बहुत ज्यादा खट्टी चीजें नहीं खानी है, अगर ऐसे किसी को भी प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें भी नहीं खानी है, सूखे चीजें भी नहीं खानी है, अच्छा सा मतलब जो भी आपका हेल्दी फूड है वो आप इंटेक करिए, स्टेल फूड्स नहीं खाने हैं, एंड सप्लीमेंट आप सही से इनके यूज करिए, ये आपका बहुत ही अच्छे से वर्क करेंगी। ओके जो गैनोडर्मा, ये सारे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बात की, किन्हीं को एसिडिटी प्रॉब्लम है तो एसिडिटी रिलीफ ड्रॉप के साथ आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केएमडी रिएक्शन ऑन फेस और स्किन, डेफिनेटली नॉट। केएमडी फेस में ये इनके रिएक्शंस नहीं होते हैं, बट यू हैव टू डू वन थिंग, क्योंकि सबका स्किन एक जैसा नहीं होता है, अगर आपके फेस में कोई पिंपल के दाग है, कुछ घाव जैसा हो गया है, तो डेफिनेटली आप 50 ml वाटर में आप 40 ड्रॉप केएमडी जो है उसको डाइल्यूट कर देंगे, एंड उसको डाइल्यूट करने के बाद अपने फेस में स्प्रे करेंगे, मतलब आपके जो घाव है, स्कार जो है, उसको डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं लगा के वाटर में डाइल्यूट करके आप लगा सकते हैं। अगर देर इज वन क्वेश्चन कि किन्हीं की एज 47 है एंड ही इज अ मेल, राइट, एंड अगर पार्किंसन प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप ये जो हमारा न्यूरो हेल्थ ड्रॉप है बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा, आप डेफिनेटली ये प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन उनको दीजिए, इन तीनों प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन अलोंग विथ ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप बहुत ही अच्छे से वर्क करेंगे। सो समवन हैज रिटन दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीटीएमडी एंड केएमडी। सो सबसे यहाँ पे बहुत ज्यादा तो टाइम नहीं है, बट यस देर इज मेनी डिफरेंसेस बिटवीन सीटीएमडी एंड केएमडी। सो अब हम सभी को पता है कि हमारा जो केएमडी है उसमें 84 आयनिक ट्रेस मिनरल्स है, एंड सीटीएमडी में उससे कम पाए जाते हैं। इन्हीं के साथ साथ हम केएमडी को अपने बॉडी में यूज कर सकते हैं, अपने स्किन में भी यूज कर सकते हैं, उसको कंज्यूम भी कर सकते हैं, सीटीएमडी को भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। बट आपका एक और यहाँ पे बहुत ही अच्छा है कि केएमडी आप कंज्यूम कर रहे हैं एंड अपने बॉडी में लगा रहे हैं, सीटीएमडी को आप अपने खाने में, कुकिंग के टाइम भी, जब खाना बनाते हैं ना, उसमें भी फ्यू ड्रॉप्स डाल के इसको कंज्यूम कर सकते हैं, एंड इन्हीं के साथ साथ अपने प्लांट्स के लिए, आपके जो पेट एनिमल्स है जैसे कि डॉग हो गए, कैट हो गए, जो भी हो गए, उनको भी आप कंज्यूम करा सकते हैं। एंड जिनको ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है उनको आप सीटीएमडी कंज्यूम कराएंगे, जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है उनको, लो है, तो उनको आप केएमडी कंज्यूम करा सकते हैं। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बेसिकली, एंड नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सच थिंग्स, डिफरेंसेस अबाउट दीज प्रोडक्ट्स। यस डेफिनेटली यू कैन एड असाई बेरी जूस ऑल्सो, आप इनके कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। ओके
सो अगर किसी की बॉडी में पोटेशियम की कमी होती है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि पोटेशियम की कमी से पैरालाइज होने के भी चांसेस काफी ज्यादा बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, इररेगुलर हार्ट बीट होती है. तो इसमें पोटेशियम जो हमारा KMD है उसमें पोटेशियम बहुत ही अच्छी भारी मात्रा में है, तो डेफिनेटली आपको KMD से बहुत ही अच्छा फील होगा. ये इंस्टेंटली हमें ऐसा लगता है हमारी वाइटैलिटी को, हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाए रखने का काम करती है. किसी को भी सोराइसिस के प्रॉब्लम है, एक्जिमा के प्रॉब्लम है, सो डेफिनेटली उनके लिए गैनोडर्मा प्लस टैबलेट जो है गिव्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव रिजल्ट. सो डेफिनेटली यू कैन कंज्यूम गैनोडर्मा प्लस अगर कोई भी स्किन प्रॉब्लम है तो. सो थैंक यू सो मच ऑल. आई थिंक कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर आउट हो गए हैं, एंड सिर्फ डायरेक्टली मैसेजेस आ रहे हैं, सो आई एम नॉट एबल टू आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस. राइट, सो इट्स बेटर कि एवरीवन में क्वेश्चन करे तो बेटर रहेगा. सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट इट. थैंक यू सो मच ऑल. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू.